हेलो एवरीवन, हम पिछले वीडियो में संधि पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो जो है कंबाइंड वीडियो जो है, क्योंकि ग्रामर है और ग्रामर में बेसिक चीज़ें सभी में क्लासेस में लगभग लगभग सेम है। तो हम संधि पढ़ रहे थे जो तीनों क्लासेस के लिए था, 6th 7th ईयर, तो तीनों क्लासेस के लिए वीडियो था। अगला वीडियो भी इसी संधि से है और ये भी आप तीनों क्लासेस के लिए है, 6th 7th ईयर के लिए। और हमने संधि पढ़ा था, हमने आपसे कहा था कि इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा। होमवर्क पे भी मैंने दिया था कि रीड करिएगा पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से, केयरफुल्ली, बहुत ही केयरिंग हो कि जब इसको रीड करेंगे तभी यह समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो तुरंत वहाँ संधि बदल जाती है, इसलिए मैंने आपको इसको रीड करने के लिए सजेस्ट किया था। और उम्मीद है कि आप लोग रीड भी किए होंगे, लेकिन मैं भी एक बार आप लोग को फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? संधि पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद हमने पढ़े थे। संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये तीनों भेद हैं। हमने स्वर संधि पूरा पढ़ा था। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। संधि का अर्थ देखिए, ऐसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। संधि शब्द का अर्थ कैसे है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मैंने कई बार आपको बताया, इसको ध्यान दीजिएगा, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। उत्तधन लास बराबर उल्लास, तो ये आपका हो गया छठा नियम। त धन ल बराबर त का ल हो जाता है, ल तो ल रहता ही है, द का ल हो जाता है। फिर नेक्स्ट नियम है आपका, यानी सातवां नियम जो है, छठ छ यहाँ पे है, त धन स, त धन स है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों वर्ण बदल रहे हैं, त भी बदल जाएगा स भी बदल जाएगा। त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्दों के जो आखिरी शब्द का पहला वर्ण है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, दोनों में परिवर्तन आएगा। अभी तक क्या होता था, दो, अभी तक आपने जितने नियम पढ़े, दो वर्णों के संयोग से एक वर्ण बन जा, एक पहले वर्ण का जो होता था परिवर्तन होता था पहले वर्ण में, व्यंजन संधि की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा वर्ण जो होता था वो अपनी जगह पे वही रहता था, लेकिन पहला वर्ण जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता था उसमें परिवर्तन आ जाता था। अब जो है ये सातवें नियम में त प्लस स, ये सिर्फ दो एक ही वर्णों के नियम चल रहे हैं, त प्लस स, तो इसका क्या बनेगा? त का च बनेगा और स का छ बनेगा। जैसे उत धन श्वास, तो इसको आप उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास, त का च बन गया और श्वास का स बन गया और स का छ बन गया उच्छ्वास। उत धन शिष्ट, इसका क्या होगा? उच्छिष्ट। सत धन शास्त्र, तो इसका बनेगा सत छास्त्र, त का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा, दोनों एक ही वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण हो जाएंगे, सत का सच और शास्त्र का छास्त्र, स छास्त्र। तो यह हो गया आपका सातवां नियम। अब आपका है आठवां नियम, त प्लस है बराबर द ध, त प्लस है बराबर द ध, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एक एक वर्ण है यहाँ पे, इसमें भी दोनों वर्ण परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे अभी हुए सातवें में त प्लस स बराबर च स, और इसी तरह त प्लस है बराबर द ध, त का द बनेगा ह का द बनेगा। जैसे उत धन हार, आप दोनों का मेल करेंगे, उत प्लस हार तो उद्धार, ह के जगह धा आ जाएगा और त के जगह पे द आ जाएगा, उद्धार। उत धन हरण उद्धरण, तत धन हित तद्धित, तो ये आपका आठवां नियम हो गया। ये आठ नियम आपके व्यंजन संधि के हो गए। अभी दो नियम और बाकी हैं। नवा नियम है आपका, 10 नियम है टोटल व्यंजन संधि में, ये 10 नियम आप कंठस्थ करिएगा, आप बार बार पढ़िएगा, जब तक पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तब तक इसको पढ़ते रहिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि संधि बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत केयर के साथ पढ़िएगा। तो
तो ये है नवा नियम आपका, कोई स्वर, कोई स्वर प्लस छ, दोनों के बीच में च का आगम। जैसे कोई भी स्वर है उसके बाद दूसरे शब्द जो है प्लस, जो दूसरा शब्द शुरू होता है प्लस के बाद उसका पहला शब्द छ है, आगे कोई भी स्वर है और दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। यानी जैसे हम लिखे स्वर, स्वर लिख दिए और आगे प्लस हमको क्या करना, उसमें ऐड क्या करना है, छंद। तो उसमें आगमन किस चीज़ का हो जाएगा, यहाँ स्वर ये तो अपने आप बना रहेगा लेकिन बीच में च का आगमन हो जाएगा, कि कोई भी स्वर प्लस छ तो बीच में च का आगमन हो जाएगा, बीच में च जुड़ जाएगा। स्वर धन छंद बराबर स्वच्छंद, आ धन छादन बराबर आच्छादन, आ है आस्वर है फिर छादन है, तो इसके बीच में जब आप दोनों को मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में आपको च जोड़ना पड़ेगा, आच्छादन। उसी तरह है अनु, यहाँ भी स्वर का उच्चारण हो रहा है, अनु पूरा न पूरा लिखा हुआ है तो इसलिए स्वर आ रहा है, ऊ स्वर आ रहा है, आ आ इ इ उ, ये चार स्वर मैंने आपको बताए थे, चारों में से कोई भी स्वर हो बाद में छ हो तो बीच में च का आगमन हो जाता है। तो अनुधन छेद, यहाँ उ आ गया, जब अनु और छेद दोनों का आप मेल करेंगे, दोनों का संधि करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा। उसी तरह वी है, वी के बाद भी ई आ रहा है, ई स्वर है तो ई के बाद छेद, तो इसमें भी च का आगमन बीच में हो जाएगा, बीच में च लग जाएगा, विच्छेद। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, ये नवे नियम में कोई भी शब्द हटेगा नहीं, कोई भी वर्ण हटेगा नहीं, बल्कि एक नया वर्ण उसमें जुड़ जाएगा। ये नवा नियम है, अ आ इ ई उ ऊ में से इन छह वर्णों में से कोई भी स्वर वर्ण प्लस छ तो बीच में च का आगमन हो जाएगा। फिर है आपका ये लास्ट नियम, म प्लस कोई भी व्यंजन, म प्लस कोई भी व्यंजन तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। कोई भी स्वर शब्द है जिसमें लास्ट में म है, अंतिम वर्ण म है, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण, तो वहाँ उस व्यंजन वर्ण का तो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे और ये दो छोड़ के बाकी आपने पढ़े बाकी नियम, तो लास्ट शब्द का पहला वर्ण नहीं बदलता था, उसी तरह ये भी चलेगा, पहला वर्ण लास्ट शब्द का पहला वर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन म जो है, जो म जो आखिरी शब्द आया उसके बाद जो कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पे अनुस्वार, अनुस्वार आप समझते हैं, अनुस्वार हम कोई भी शब्द बोलते हैं जहाँ म या न का उच्चारण होता है, ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जो होता है वो चंद्राकार बिंदी होती है, अनुस्वार जो होता है वो सिर्फ बिंदी होती है, तो वही अनुस्वार यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सम धन क्रमण, तो हम जब सम धन क्रमण को संधि करेंगे एक साथ लिखेंगे तो हम म का लोप हो जाएगा, वहाँ अनुस्वार प्रकट होगा, संक्रमण सम धन गम, तो यहाँ भी म का लोप होके पहले म का, संगम गम धन गा, तो यहाँ भी म का लोप होके हो जाएगा गंगा, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, यहाँ भी सर के ऊपर म लग जाएगा फिर पूर्ण हो जाएगा, समधन भाव, समधन भाव यहाँ हो जाएगा संभव, समधन योग संयोग, समधन बंध बराबर संबंध, समधन सय बराबर संशय, समधन वाद बराबर संवाद, समधन हार बराबर संहार, समधन सार बराबर संसार। अगर संसार का आपको विच्छेद करने को आ जाता है तो आप कैसे विच्छेद करेंगे, ये नहीं कोई कि आपको संधि पूछा जाए, विच्छेद भी कभी कभी संधि पूछा जाए, कभी कभी आपको शब्द मिलते हैं उसका आपको विच्छेद करना होता है। मान लीजिए आपके सामने आ गया शब्द संसार का, संधि विच्छेद कीजिए, तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो यह व्यंजन संधि है, और फिर लिखेंगे सम स रहेगा छोटा सा, फिर म रहेगा, म के नीचे हलंत रहेगा, फिर प्लस सार संसार, ये होगा आपका संधि। तो ये आपका व्यंजन संधि करीब करीब कंप्लीट हो गया है, अब करीब करीब नहीं पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब आपको विसर्ग संधि पढ़नी है जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, और ये आपका व्यंजन संधि, उम्मीद है कि पूरी तरह आपको समझ में आ गया। मैंने एक एक वर्ड को बहुत ही इजली और बहुत ही आराम से बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आए,
इसको रिपीट जरूर करिएगा, दो बार तीन बार इसकी रिवीजन करिएगा। जो भी डाउट होगा आपको आप पूछिएगा, उसमें मैं बताऊंगी आपको, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगी। जो भी नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछिएगा। लेकिन फिर से मैं आपसे यही बार बार कह रही हूँ कि इसको, इस लेसन को कई बार पढ़िएगा आप, रिवीजन इसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए संधि को अच्छे से पढ़िएगा। अब विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि आपको कल बताएंगे। विसर्ग संधि में भी वही होगा जैसे यहाँ पे स्वर वर्णों में स्वर से स्वर का मेल हुआ, व्यंजन में स्वर या व्यंजन का स्वर से व्यंजन का या व्यंजन से स्वर का मेल हुआ, विसर्ग में विसर्ग का मेल होगा। विसर्ग संधि इसमें विसर्ग स्वर या कोई व्यंजन से होने वाले मेल, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसको कल आपको बताएंगे। अब आज का यह चैप्टर यही स्वर और व्यंजन दो आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा भाग इसका बचा हुआ है विसर्ग संधि, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। तो मेल आप समझ गए, संधि का अर्थ होता है मेल। अब यहाँ देखिए, दो शब्द संधि में हमेशा दो शब्द होते हैं, दो शब्द जब तक होंगे नहीं तो उनका मेल कैसे होगा, एक शब्द का तो मेल होगा नहीं। तो दो शब्द होते हैं, दोनों के मेल से ही संधि होती है। तो दो शब्दों में जो जब एक पास होते हैं दोनों शब्द, तो पहले शब्द का आखिरी ध्वनि, पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि दोनों का, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के साथ संयोग हो जाता है। तो दोनों के स्थान पे दो शब्द वर्णों के स्थान पे एक वर्ण हो जाता है और दोनों मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि होती है तो अ और अ मिले तो उसमें आ हो जाता है, ई ई मिले तो ई हो जाता है। मैं दीर्घ संधि क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ईजी है और पहली संधि आपकी, मुझे उम्मीद है ये सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं दीर्घ संधि का ही उदाहरण दे रही हूँ। जैसे है दीप और आवली, दीप आवली दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, आवली और दीप। तो दीप का अंतिम शब्द क्या है, अंतिम दीप शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, दीप। और आवली जिसकी पहली ध्वनि अ है, दो स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। आखिरी में तो किसी भी शब्द के स्वर ही होता है किसी भी वर्ण के, तो दीप के बाद अ है, फिर आवली अंतिम वर्ण है अ, और आवली में पहला वर्ण है अ, तो दीप आवली दोनों का संयोग हुआ, दो शब्दों का, दो वर्णों का, पहले का जो अंतिम शब्द था और दूसरे शब्द का पहला पहली ध्वनि जो थी, दोनों का संयोग हुआ। तो दोनों का रूपांतर क्या हो गया, अ के जगह पे आ हो गया, दो अ के जगह पे एक सिंगल आ हो गया, दीप धन आवली का हो गया दीपावली। तो इस प्रकार दोनों ध्वनियों के मिलने से जो नया रूप बना वो अ धन अ बराबर आ हो गया। इसी वर्ण संयोग को संधि कहते हैं, दो वर्णों के संयोग को या दो वर्णों के मिलन को, मेल को संधि कहते हैं। तो मैंने फिर से आपको देखिए संधि रिवाइज कर दी है कि संधि होती क्या है, और स्वर संधि मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। तो स्वर संधि में कितने भेद होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, स्वर संधि के पाँच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि। दीर्घ संधि यानी हर्ष व दीर्घ अ ई उ, हर्ष या दीर्घ अ ई उ क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं, ये दीर्घ हो गया। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में हर्ष या दीर्घ अ, हर्ष या दीर्घ ई ए, ई के साथ मिलने से ए बन जाते हैं, और हर्ष या दीर्घ अ री से मिलने से अर बन जाते हैं, हर्ष या दीर्घ अ, हर्ष या दीर्घ ऊ से मिलने से ओ बन जाते हैं। ये मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो नोट करते जाइएगा, अगर कल नहीं नोट किए होंगे तो। फिर है आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में है पहला इसका उदाहरण कि हर्ष या दीर्घ अ ए से मिलने से अय बन जाते हैं, हर्ष या दीर्घ अय से मिलते हैं तभी वो अय ही रहते हैं, हर्ष या दीर्घ अ ओ से मिलते हैं तो औ बन जाते हैं, और औ से भी मिलते हैं तो भी वो औ बन जाते हैं, अ का लोप हो जाता है। इसी तरह उसके बाद है यण संधि, यण संधि का क्या एग्जाम्पल है, यण संधि में ई आई प्लस ई आई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, ई और ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई या ई दोनों है छोटी है या बड़ी है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है,
या हो जाता है। ऊ या ऊ प्लस ऊ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है, और उसी जगह ऊ या व के बाद री आता है तो री के स्थान पे अर हो जाता है। अन्य भिन्न स्वरों की संधि से कुछ उदाहरण नीचे दे रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं आपको। जैसे ई धन ऊ बराबर यू, ये विशेष है इन ध्वनियों में। यण संधि में कुछ विशेष होते हैं, जैसे ई के बाद यू ये ऊ आता है तो कहीं कहीं यू भी हो जाता है। जैसे यहाँ ई ई का य बन रहा है तो ऊ आता है तो यू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आयु धन उत्तम, तो यहाँ आयुत्तम हो जाएगा। अभिधन युदय, ई है फिर ऊ है तो दोनों का क्या हो गया, अभ्युदय अभ्युदय हो गया। यहाँ प्रतिधन एक, तो यहाँ ए होगा प्रत्येक। इसके बाद है आपकी अयाद संधि। अयाद संधि के मैंने उदाहरण बताए थे, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो आय के स्थान पर आय हो जाता है। भिन्न स्वर रहेगा ए ए ओ और ये चारों स्वर रहेंगे, चारों के बाद इन चारों के अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसी अनुसार बदलता है। जैसे ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ हो जाएगा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आ हो जाएगा, ए के बाद ए, आय के बाद आय, ओ के बाद औ और औ के बाद आव, ये चारों हैं। अब ये आपकी पांचों संधियां हो गई स्वर संधि की। मैंने रिवीजन भी करवा दिया आपको, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने सोचा आपको नहीं समझ आया होगा तो आज मैंने शॉर्ट में उसका रिवीजन करवा दिया। अब हम आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, दो स्वर वर्णों के। तो व्यंजन संधि में क्या होगा, दो व्यंजन वर्णों के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यही व्यंजन है, स्वर के स्थान पर आपको व्यंजन शब्द का प्रयोग करना है, बाकी चीज़ें सेम है। किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप कहेंगे व्यंजन वर्ण के बाद तो शुरू का स्वर का उच्चारण निश्चित होता है, तो ऐसा नहीं है। जब हम हलंत के साथ किसी वर्ण व्यंजन वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ स्वर का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला शब्द अगर व्यंजन वर्ण पे समाप्त हो रहा है तो वह व्यंजन संधि होगी, भले ही दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना होगा व्यंजन संधि में। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि होगी, दूसरे शब्द से मतलब नहीं है। दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर भी हो सकती है, व्यंजन भी हो सकती है। व्यंजन संधि के नियम क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण और स्वर प्लस स्वर पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। और जैसे वाक धन ईस, पहला वर्ण क्या है, वाक है, क के नीचे हलंत लगा है। वाक अगर आप लिखेंगे तो क के नीचे हलंत लगाएंगे तो यह क वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है वाक। और उसके बाद स्वर आ गया, ईस हो गया। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे ग वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, यस ग है, तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण ग है पहले वर्ग का, तो वाक धन ईस, तो क की जगह पे क्या हो जाएगा, वागीस, क का ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पहला नियम है आपके व्यंजन संधि का। दूसरा नियम देखते हैं, इसी तरह से और भी उदाहरण आपको को मिल जाएंगे। जैसे अच धन अंत, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, च छ ज, ज है तो अजंत हो जाएगा। सत धन आचार, यहाँ त के बाद फिर स्वर आ गया है, अगर स्वर आता है दूसरे शब्द में पहली ध्वनि स्वर है तो तब की बात की जा रही है। पहला नियम है आपके व्यंजन संधि का। तो त वर्ग का आप तीसरा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण ढूंढेंगे, त थ द हो जाएगा, तो सत धन आचार, तो क्या हो जाएगा, सदाचार। सत धन उपदेश, सद उपदेश। इसी तरह से जगत धनीश, जगदीश, तो
अब देखिए एक और उदाहरण देखिए, सट धन आनन, तो यहाँ हो जाएगा सडानन, खडानन या सडानन जो भी आप कह सकते हैं। तो ड का यहाँ ड हो गया। फिर सुपधन अन, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण प फ ब, तो सुबंत हो जाएगा। ये आपका पहला नियम था व्यंजन संधि का। दूसरा नियम क्या है आपका, किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, जैसे आपने मैंने अभी आपको बताया क है, च है, ट है, त है, ये सब वर्ग के पहले वर्ण हैं। तो इनके बाद प्लस करके जो दूसरा शब्द आता है वो किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अगर हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहाँ भी तीसरा ही होगा, जैसे जैसे पहले वर्ग के बाद अगर स्वर आता है तब भी तीसरा होगा, और पहले वर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो भी तीसरा वर्ण ही होगा। जैसे दिक धन गज, तो दिक क्या है, दिक जो है क है यहाँ, तो क वर्ग का पहला वर्ण है और फिर गज है, तो गज क वर्ग का तीसरा शब्द है। तीसरा चौथा वर्ण दोनों में से कोई भी आएगा तो तीसरा ही बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क के स्थान पे भी ग हो जाएगा, दिग्गज। सट दर्शन, तो यहाँ भी त थ द, द भी तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, यहाँ त है, ट पहला वर्ण है अपने वर्ग का, तो यहाँ भी हो जाएगा सट दर्शन, ट का ड हो जाएगा। भगवत गीता, अब यहाँ त भी अपने वर्ग का पहला वर्ण है और घर तीसरा आप जानते ही हैं, तो भगवद गीता। इसी तरह से पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है अगर शब्द का आखिरी ध्वनि, तो और दूसरे वर्ग शब्द का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है तो उस पहले वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए। अब आपका तीसरा नियम है ग वर्ग, ग वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ भी हमेशा पहला वर्ण के बारे में बताया जा रहा है, वर्ग का पहला वर्ण और प्लस य र व, हमेशा दूसरे शब्द में परिवर्तन आ रहा है। अभी तक तीनों नियमों में दूसरे शब्द में परिवर्तन आ रहा है, अभी तीनों नियमों में जो पहला शब्द है उसमें हमेशा वर्ग के पहले शब्द लिए गए हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों नियमों में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग का पहला वर्ण प्लस यार व, जैसे संधि करते हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं ना, तो यहाँ कोई भी आप पहला वर्ण रख लीजिए किसी भी वर्ग का, क च ट त प, ये तीनों ये सब पहले वर्ण है किसी भी वर्ग के, तो पहला वर्ण प्लस यार व, इनसे संबंधित कोई यार व, इन तीनों वर्णों से संबंधित कोई भी शब्द आते हैं तो भी पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा शब्द वर्ण हो जाएगा। ये तीनों नियम में आप ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस स्वर, किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, फिर तीसरा है किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस य र व, तीनों होन के मेल होने पर पहले वर्ग का पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे उत धन योग, उत है फिर य र व, आपको मैंने तीन वर्ण बताए, तो उत है त पहला वर्ण है त वर्ग का, उसके बाद य का प्रयोग हुआ है तो त का क्या हो जाएगा, उसका तीसरा वर्ण क्या है, त का तीसरा वर्ण द, यस। तो उद्योग, दिक का विजय, दिक और विजय, तो विजय क्या है, वह भी य र व, यहाँ तीन वर्ग आपको बताए गए थे, और क क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, तो दिग विजय वर्ग का क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। सट धन रिपु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खड रिपु या सट रिपु। तो ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब आपका चौथा नियम, अब यहाँ से आप चेंज पाएंगे, अभी तक आप तीनों नियमों में आपने क्या पढ़ा, वर्ग का पहला वर्ण, तीनों नियमों में पहले शब्द में क्या था, वर्ग का पहला वर्ण। अब आपका चौथा जो नियम है, यहाँ वर्ग वर्ण परिवर्तन होंगे,
यहाँ पहले भी जैसे अभी तक तो आप दूसरे में परिवर्तन पा रहे थे दूसरे शब्द में, अब यहाँ जो है पहले वर्ण के अलावा दूसरे शब्द आ गए, जैसे त द, ये दो वर्ण है प्लस त और द के बाद च और डबल च आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ण के त और द के बाद च आता है तो उसके पहले त के स्थान पे च हो जाएगा, त द प्लस च बराबर त के स्थान पे च, जैसे उत धन चारण, तो इसका हो जाएगा उच्चारण या शरत धन चंद्र, तो शरत चंद्र, यहाँ भी डबल च हो जाएगा, स त और द दो शब्द हैं, सत धन चरित्र, तो हो जाएगा सद चरित्र, इसी तरह से उत धन ज्वल, तो उज्ज्वल, सत धन जन, सज्जन, अर्थात चय का चय हो जाएगा, जय का जय हो जाएगा और छह रहेगा तो छह हो जाएगा, जैसे उत धन छिन्न तो उच्च छिन्न, वहाँ पे द का च हो जाएगा, द के बाद अगर छह आता है तो द का च हो जाएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं, त द त और द प्लस च तो त और द का च हो जाएगा, फिर त द प्लस ज तो त का ज या त हो जाएगा, त द प्लस ज तो त का क्या होगा, ज या त दोनों हो सकता है, उसके बाद त द का के बाद छ आ जाएगा तो च होगा, यहाँ पे छ नहीं होगा, द के बाद छ आता है तो वहाँ च होगा, वहाँ पे छ नहीं होगा, जैसे त द के बाद च आया तो त का च बन गया, त द के बाद ज आया तो त का ज बन गया, लेकिन त द के बाद छ आता है तो जिस तरह से च का च बनता है उसी तरह छ का भी च ही बनेगा, त के स्थान पर छ का प्रयोग नहीं होगा, छ अपने स्थान पर रहेगा, त के जगह पे च का प्रयोग होगा, जैसे सत उत धन छिन्न, तो यहाँ पे उच्छिन्न होगा न कि उच्छिन्न, डबल छ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ च और छ दोनों मिलेगा। फिर आपका पांचवा नियम है त द प्लस ट, तो यहाँ पे त का ट हो जाएगा, ऊपर वाला ही नियम समझ लीजिए, बस वर्ण बदल गए हैं, त द के बाद ट आता है तो ट त का ट हो जाएगा, जैसे तत् धन टीका, तट टीका, त ड के बाद ड आता है तो त का ड हो जाएगा, जैसे उत धन डयन तो उड्डयन, त का ड हो जाएगा यहाँ भी। फिर आपका नेक्स्ट नियम है त प्लस ल, तो यहाँ पे त का ल हो जाएगा, जैसे उत धन लास तो उल्लास, उत धन लास बराबर उल्लास, त का ल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट नियम है आपका त और त प्लस स, तो यहाँ पे त का क्या होगा, द प्लस स, तो यहाँ पे दोनों शब्द बदल जाएंगे। उत धन लास बराबर उल्लास, तो ये आपका हो गया छठा नियम, त धन ल बराबर त का ल हो जाता है, ल तो ल रहता ही है, त का ल हो जाता है। फिर नेक्स्ट नियम है आपका, यानी सातवां नियम जो है छठ छ यहाँ पे है, त धन स, त धन स है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों वर्ण बदल रहे हैं, त भी बदल जाएगा स भी बदल जाएगा, त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्दों के जो आखिरी शब्द का पहला वर्ण है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, दोनों में परिवर्तन आएगा। अभी तक क्या होता था, दो अभी तक आपने जितने नियम पढ़े, दो वर्णों के संयोग से एक वर्ण बन जा, एक पहले वर्ण का जो होता था परिवर्तन होता था, पहले वर्ण में व्यंजन संधि की मैं बात कर रही हूँ, दूसरा वर्ण जो होता था वो अपनी जगह पे वही रहता था, लेकिन पहला वर्ण जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता था उसमें परिवर्तन आ जाता था। अब जो है ये सातवें नियम में त प्लस स, ये सिर्फ दो एक ही वर्णों के नियम चल रहे हैं, त प्लस स, तो इसका क्या बनेगा, त का च बनेगा और स का छ बनेगा, जैसे उत धन श्वास, तो इसको आप उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास, त का च बन गया और श्वास का स बन गया और स का छ बन गया उच्छ्वास, उत धन शिष्ट,
इसका क्या होगा? उच्छिष्ट। सत धन शास्त्र, तो इसका बनेगा सत छास्त्र। त का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा, दोनों एक ही वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण हो जाएंगे। सत का सच और शास्त्र का छास्त्र, सा छास्त्र। तो ये हो गया आपका सातवां नियम। अब आपका है आठवां नियम, त प्लस है बराबर द ध, त प्लस है बराबर द ध। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एक एक वर्ण है यहाँ पे, इसमें भी दोनों वर्ण परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे अभी हुए सातवें में त प्लस त बराबर चस, और इसी तरह त प्लस है बराबर द ध, त का द बनेगा, ह का द बनेगा। जैसे उत धन हार, आप दोनों का मेल करेंगे, उत प्लस हार तो उद्धार, ह की जगह धा आ जाएगा और त की जगह पे द आ जाएगा, उद्धार। उत धन हरण, उद्धरण। तत धन हित, तद्धित। तो ये आपका आठवां नियम हो गया। ये आठ नियम आपके व्यंजन संधि के हो गए। अभी दो नियम और बाकी हैं। नवा नियम है आपका, दस नियम है टोटल व्यंजन संधि में। ये दसों नियम आप कंठस्थ करिएगा, आप बार बार पढ़िएगा, जब तक पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तब तक इसको पढ़ते रहिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि संधि बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत केयर के साथ पढ़िएगा। तो ये है नवा नियम आपका, कोई स्वर, कोई स्वर प्लस छ, दोनों के बीच में च का आगम। जैसे कोई भी स्वर है उसके बाद दूसरे शब्द जो है प्लस, जो दूसरा शब्द शुरू होता है प्लस के बाद उसका पहला शब्द छ है, आगे कोई भी स्वर है और दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। यानी जैसे हम लिखे स्वर, स्वर लिख दिए और आगे प्लस हमको क्या करना, उसमें ऐड क्या करना है, छंद। तो उसमें आगमन किस चीज़ का हो जाएगा? यहाँ स्वर ये तो अपने आप बना रहेगा लेकिन बीच में च का आगमन हो जाएगा, कि कोई भी स्वर प्लस छ तो बीच में च का आगमन हो जाएगा, बीच में च जुड़ जाएगा। स्वर धन छंद बराबर स्वच्छंद, आ धन छादन बराबर आ छादन। आ है, आ स्वर है, फिर छादन है, तो इसके बीच में जब आप दोनों को मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में आपको च जोड़ना पड़ेगा, आ छादन। उसी तरह है अनु, यहाँ भी स्वर का उच्चारण हो रहा है, अनु पूरा न पूरा लिखा हुआ है, तो इसलिए स्वर आ रहा है, उ स्वर आ रहा है, आ आ इ, इ, उ, उ, ये चार स्वर मैंने आपको बताए थे, चारों में से कोई भी स्वर हो बाद में छ हो तो बीच में च का आगमन हो जाता है। तो अनुधन छेद, यहाँ उ आ गया, जब अनु और छेद दोनों का आप मेल करेंगे, दोनों का संधि करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा। उसी तरह वी है, बी के बाद भी ई आ रहा है, ईश्वर है तो ई के बाद छेद, तो इसमें भी च का आगमन बीच में हो जाएगा, बीच में च लग जाएगा, विच्छेद। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, ये नवे नियम में कोई भी शब्द हटेगा नहीं, कोई भी वर्ण हटेगा नहीं, बल्कि एक नया वर्ण उसमें जुड़ जाएगा। ये नवा नियम है, अ आ इ ई उ में से इन छह वर्णों में से कोई भी स्वर वर्ण प्लस छ तो बीच में च का आगमन हो जाएगा। फिर है आपका ये लास्ट नियम, मैं प्लस कोई भी व्यंजन, मैं प्लस कोई भी व्यंजन, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। कोई भी स्वर शब्द है जिसमें लास्ट में म है, अंतिम वर्ण म है, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण, तो वहाँ उस व्यंजन वर्ण का तो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे और ये दो छोड़ के बाकी आपने पढ़े बाकी नियम, तो लास्ट शब्द का पहला वर्ण नहीं बदलता था, उसी तरह ये भी चलेगा, पहला वर्ण लास्ट शब्द का पहला वर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन म जो है, जो म जो आखिरी शब्द आया उसके बाद जो कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पे अनुस्वार, अनुस्वार आप समझते हैं, अनुस्वार हम कोई भी शब्द बोलते हैं जहाँ म या न का उच्चारण होता है, ऊपर एक बिंदी लगी होती है, उसी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जो होता है वो चंद्राकार बिंदी होती है, अनुस्वार जो होता है वो सिर्फ बिंदी होती है, तो वही अनुस्वार यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सम धन क्रमण, तो हम जब सम धन क्रमण को संधि करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो हम म का लोप हो जाएगा, वहाँ अनुस्वार प्रकट होगा, संक्रमण,
सम धन गम, तो यहाँ भी म का लोप हो के पहले म का संगम, गम धन गा, तो यहाँ भी म का लोप हो के हो जाएगा गंगा। सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, यहाँ भी सर के ऊपर म लग जाएगा फिर पूर्ण हो जाएगा। समधन भाव, समधन भाव यहाँ हो जाएगा संभव। समधन योग संयोग, समधन बंध बराबर संबंध। समधन सय बराबर संशय, समधन वाद बराबर संवाद, समधन हार बराबर संहार, समधन सार बराबर संसार। अगर संसार का आपको विच्छेद करने को आ जाता है तो आप कैसे विच्छेद करेंगे? ये नहीं कोई कि आपको संधि पूछा जाए, विच्छेद भी कभी कभी संधि पूछा जाए, कभी कभी आपको शब्द मिलते हैं उसका आपको विच्छेद करना होता है। मान लीजिए आपके सामने आ गया शब्द संसार का, संधि विच्छेद कीजिए, तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो यह व्यंजन संधि है, और फिर लिखेंगे सम स रहेगा छोटा सा, फिर म रहेगा, म के नीचे हलंत रहेगा, फिर प्लस सार संसार, ये होगा आपका संधि। तो ये आपका व्यंजन संधि करीब करीब कंप्लीट हो गया है, अब करीब करीब नहीं पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब आपको विसर्ग संधि पढ़नी है जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, और ये आपका व्यंजन संधि। उम्मीद है कि पूरी तरह आपको समझ में आ गया, मैंने एक एक वर्ड को बहुत ही इजली और बहुत ही आराम से बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको रिपीट जरूर करिएगा, दो बार तीन बार इसकी रिविजन करिएगा, जो भी डाउट होगा आपको आप पूछिएगा, उसमें मैं बताऊंगी आपको, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगी, जो भी नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछेगा। लेकिन फिर से मैं आपसे यही बार बार कह रही हूँ कि इसको, इस लेसन को कई बार पढ़िएगा आप, रिवीजन इसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको एग्जाम में आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए संधि को अच्छे से पढ़िएगा। अब विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि आपको कल बताएंगे। विसर्ग संधि में भी वही होगा जैसे यहाँ पे स्वर वर्णों में स्वर से स्वर का मेल हुआ, व्यंजन में स्वर या व्यंजन का स्वर से व्यंजन का या व्यंजन से स्वर का मेल हुआ, विसर्ग में विसर्ग का मेल होगा। विसर्ग संधि इसमें विसर्ग स्वर या कोई व्यंजन से होने वाले मेल, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को ही विसर्ग संधि कहते हैं, इसको कल आपको बताएंगे। अब आज का यह चैप्टर यही स्वर और व्यंजन दो आपके कंप्लीट हो गए, तीसरा भाग इसका बचा हुआ है विसर्ग संधि, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।